अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि नॉकआउट मरहले पे दोनों ममालिक सामने आए हो और इंडिया जीत पाया हो, और पिछले वर्ल्ड कप में भी यही दो टीमें मद्दे मुकाबले थी और इंडिया को शिकस्त हो गई। जरा क्विकली अगर हम देख भी सकें कि क्या है इंडिया और न्यूजीलैंड का अब तक का मामला, अब तक दोनों टीमों ने 117 मैचेस खेले हैं, बहुत 59 इंडिया ने जीते हैं और 50 जीते हैं न्यूजीलैंड ने ओडीआई में। अगर आगे बढ़े तो और कुछ हम फिगर्स देख सकें इसी हवाले से। तो वर्ल्ड कप की बात करते हैं, वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 10 मरतबा मद्दे मुकाबले हुई, 5 मरतबा इंडिया जीता, 5 मरतबा न्यूजीलैंड जीता, 4 मरतबा इंडिया जीता, 1 मरतबा कोई रिजल्ट नहीं आया। और अगर अगला भी कोई हम स्टैट दिखा सकें, अब विराट कोहली से, और जाहिर है इंडिया की तो बहुत बड़ी टीम है, सबसे बड़ी तवक्कुआत है। विराट कोहली इंटरेस्टिंगली ओडीआई सेमीफाइनल्स में नहीं चल पाए अब तक, 2011 में 9 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, 21 गेंदें खेली, 15 में 1 रन बनाया, 19 में 1 रन बनाया, ये हो गए 9-2-11। विराट कोहली के पिछले 3 सेमीफाइनल है 9-2-11, अब तक इतने अच्छे साबित नहीं हुए। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर इस स्लाइड थोड़ा क्लियर कर सकें, वर्ल्ड कप के इंडिया के इस वर्ल्ड कप के अगर हम टॉप 5 बैट्समैन की बात करें, विराट कोहली नंबर 1 है, विराट कोहली नंबर 1 है जिनका एवरेज है 99 का, रोहित शर्मा का 56 का एवरेज है, अय्यर का 70 का एवरेज है, और बाकी रन भी आपके सामने, विराट कोहली 594, शर्मा, और बॉलर्स के फिगर्स भी आपके सामने हैं, जहां पे बुमराह टॉप कर रहे हैं 17 विकेट, जडेजा और शामी की 16-16, और कुलदीप और सिराज की 14-12 विकेट हैं। ये न्यूजीलैंड के बॉलर्स का एक क्विक सा जायजा है, जहां सैंटनर टॉप कर रहे हैं 16 विकेटों के साथ, और बाकी भी फिगर्स आपके सामने। यानी बहुत वाजे तौर पर इंडिया हर एतबार से इस वर्ल्ड कप में तो लीड कर रहे हैं। हम कुछ और फिगर्स भी देखेंगे। बासित भाई, इस पे पहले आप एक क्विक कमेंट कर दें, प्रेडिक्शन तो लेंगे आखिर में, ठीक है, लेकिन अभी भी खैर देना चाहें तो दे दें। ये जितना वाजे फासला है अब तक इस वर्ल्ड कप में, इंडिया यहाँ खड़ा है और न्यूजीलैंड यहाँ खड़ा है, जीत के एतबार से भी, बैट्समैन के फिगर्स, बॉलर्स के फिगर्स, आपके ख्याल में कल का मैच भी, वैसे तो क्रिकेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके ख्याल में मैच में भी इतना ही क्लियर है मामला कि इंडिया का बहुत ज्यादा चांस है जीतने का? इंडिया। अच्छा। जल्दी से आपने बोला ना प्रेडिक्शन, तो ये पहले ही से ले लें, बाद में भी यही होगा जवाब, ठीक है। हाँ। और ये इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है ना, सही है। हाँ। अगर इंग्लैंड में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो तो बात समझ में आती है कि वहाँ पे उनके बॉलर्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो इंडिया की बॉलिंग भी आप देखें इस इवेंट में, फास्ट बॉलिंग और स्पिन डिपार्टमेंट सही है, टू गुड है। 9 मैच जिस तरह वो खेले ना, तो अब 10वां मैच का तो नॉकआउट है, लेकिन 9 मैच में उन्होंने बता दिया कि वो वर्ल्ड चैंपियन। बासित अली वुड बी वेरी सरप्राइज्ड अगर कल इंडिया नहीं जीता, तो आपको बहुत हैरत होगी, बहुत ज्यादा हैरत होगी। ओके, बहुत ज्यादा हैरत होगी, हर शोबे में वो बेहतर आउटक्लास कर रहे हैं सबको। सर, आपका भी ये ख्याल है कामरान भाई, या कुछ लोग कहते हैं ना कि ये कोई क्रिकेटिंग रूल तो नहीं है, जाहिर कहते हैं कि यार मुसलसल टीम जीत रही हो तो एक हार ड्यू हो जाती है, और इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है कि बहुत सारे मैच वर्ल्ड कप के जीतते हुए सेमीफाइनल में हार गए, तो आपको लगता है कि ये कंपैरिजन ठीक है या नहीं? भाई ये दूसरा एक, ये अलग वर्ल्ड कप है, ये अलग इंडियन टीम है, ये इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें इंडिया के फेवर में है। देखिए अभी तक तो देखा जाए पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया ने अपने करीब किसी को नहीं आने नहीं दिया, डोमिनेट किया, और मेरे ख्याल से सिर्फ एक आधा मैच थोड़ा सा अंडर प्रेशर आए, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ ही धर्मशाला में जब चेस कर रहे हैं, तो बाकी तो वन साइडेड ही मैच जीते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, बैटिंग बड़ी फॉर्म में है, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल से एक कंप्लीट टीम है। ये इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। इंडिया इस वक्त मजबूत टीम है, न्यूजीलैंड इंजरीज की वजह से प्रॉब्लम भी आई है, मैच भी हारे हुए हैं, थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम इंजरीज की वजह से, तो मेरे ख्याल से इंडिया फेवरेट टीम है इस वक्त। और अजहर भाई आपका क्या ख्याल है? नहीं, इंडिया एक इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल होगा आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड सरप्राइज करेगी। अच्छा अच्छा, मैं नहीं कहता कि जीत जाएगी, लेकिन टफ टाइम जरूर देगी, और हमेशा से न्यूजीलैंड प्लानिंग के साथ आता है, और इंडिया ने इस मैच में बाकी इस टूर्नामेंट में किसी को करीब नहीं लगने दिया, सही है। लेकिन कल का मैच अच्छा होने की तवक्को है, और टॉस के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि टॉस पे अगर इंडिया टॉस जीत जाता है तो फिर इंडिया के चांसेस और बहुत ज्यादा बढ़े। और टॉस जीतने वाली टीम कल मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगी? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बैटिंग ज्यादा एडवांटेज है, सेकंड टाइम स्विंग भी हो रहा है, बॉल स्पिन भी लेता है थोड़ा सा, लेकिन नॉर्मली ये कामरान भाई से बात हो रही थी पहले भी कि यहाँ पे नॉर्मली चेस बड़ा इजीली होता था, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ऐसे नजर नहीं आ रहा, सही है। आई थिंक जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग करेगी, और न्यूजीलैंड टॉस जीता तो एटलीस्ट थोड़ा सा लेवल हो जाएगा चांसेस।